षटक वैयक्तिक पहिलं षटक पहिला चेंडू फुलटॉस पद्धतीने चेंडू चेंडू जातो लॉन्ग लेगच्या दिशेने पहिल्याच चेंडूवरती कडक कडकडीत प्रहार अश्पाक जर्दा स्टोअर चौकार या सामन्याचा मंचावर बसून आनंद घेत आहेत या स्पर्धेचे आयोजक आदरणीय जुनेद भैया दुर्रानी पाथरी नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष सन्माननीय नितेजी भोरे पुन्हा एकदा त्याच दिशेने मारलेला चेंडू चेंडू जातो सरळ सीमारेषेच्या बाहेर पुन्हा एकदा चौकार सलग दोन चेंडूवर दोन कडकडीत प्रहार दोन चौकार धाव संख्या होती ती आठ स्ट्राइकचा फलंदाज आवेश पटेल नॉन स्ट्राइक एडला अब्दुल वहीद उर्फ वसीम इनायतचा पुढचा चेंडू यावेळी सुरेखाचा चेंडू यष्टीवरती असलेला चेंडू खेळू काढला एक धाव घेतली एका धावेबरोबर धावसंख्या वाढते धावसंख्या होते ती नऊ संघाचा पहिला आणि वैयक्तिक पहिलं षटक समालोचन कक्ष एंडकडून गोलंदाजी करतोय इनायत अकरा नंबर जर्सी इनायत स्ट्राइकचा फलंदाज डाव्या हाताचा फलंदाज अब्दुल वहीद उर्फ वसीम अठरा नंबर जर्सी वसीम अप्रतिम अशी संयोजन समिती समितीचे इब्रोस खान मुश्ताक खान दुर्रानी तब्रेज लाला सगीर अंसारी शौकत अली सैयद उर्फ मुन्नू हमीद शाह रौफ बसरी शेख अनीस या षटकातील पुढचा चेंडू गोलंदाज इनायत संघाचं पहिलं षटक वैयक्तिक पहिलं षटक स्ट्राइकचा फलंदाज वसीम रिव्हर्स चा फटका चेंडू जातो सीमारेषेकडे चौकार धाव संख्या होती ती तेरा या षटकाची समाप्ती एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या तेरा संघाचं दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक गोलंदाज इम्रान खान स्ट्राइकचा फलंदाज आवेश आवेश पटेल सामना करण्यासाठी सज्ज थोडासा अकोट टप्प्याचा चेंडू एसटीच्या जवळून जाणारा कोणतेही धाव नाही चेंडू सरळ एसटी रक्षकाकडे
पुन्हा चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने अष्टपाक जर्दा स्टोअर चौकार. पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा लगा चौका लगा लगा. दरम्यान पुढचा चेंडू झेल सुटलेला आहे. जीवनदान मिळतंय फलंदाजाला. सोपा अतिशय सोपा झेल. मुन्ना सिद्दीकी क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. अतिशय सोपा झेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज इम्रान खान. चेंडू पायावरती आदळतो. एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न. धावबादची संधी होती. या एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 18. वैयक्तिक दुसरा आणि सॉरी वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं षटक टाकतोय गोलंदाज इम्रान. स्ट्राईकचा फलंदाज वसीम. स्कोपचा फटका. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. दोन क्षेत्ररक्षक. एम के ट्रेडर चौकार. पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा लगा चौका लगा लगा छक्का लगा लगा. धाव संख्या होते ती 22. या एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 23. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 23. निर्धारित दोन षटकांचा पॉवर प्ले. पावया संघाचं तिसरं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज वैयक्तिक. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज इनायत. पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा दिल्या. लेग बाईचा इशारा. मैदानावरती पंच शाहजेब सिद्दीकी जालना. ज्ञानेश्वर अडाव उर्फ काका जालना. माझे सहकारी कॉमेंटेटर आणि स्कोरर वाजेद खान परभणीकर. सुरेख असा चेंडू यावेळी इनायतचा. चेंडू जातोय सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातात. यष्टी रक्षक
वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचं तिसरं षटक पीपीएल पाथरी प्रीमियर लीग सीजन 2 स्पर्धेचा 12वा दिवस आणि स्पर्धेतील 77वा सामना दोन धावा या दोन धावेबरोबर धावसंख्या वाढते धावसंख्या होते ती 26 वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचं तिसरं षटक 11 नंबर जर्सी गोलंदाज इनायत स्ट्राइकचा फलंदाज आवेज आवेज पटेल धावसंख्या 26 गोलंदाज इनायत स्ट्राइकचा फलंदाज आवेज दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न ओव्हर थ्रो 3 धावा या 3 धावेवर धावसंख्या वाढते धावसंख्या होते ती 29 या षटकातील शेवटचा चेंडू थोडासा फुलटॉस असणारा चेंडू चेंडू जातोय मिड विकेटच्या दिशेने सुरेखाचं क्षेत्ररक्षण एकच धाव एका धावेबरोबर धावसंख्या होती ती 30 तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 30 प्रति षटकामागे 10 ची धावगती गोलंदाजीसाठी येतोय तो इलियास देशमुख वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं चौथं षटक इलियास देशमुख वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं चौथं षटक गोलंदाज इलियास देशमुख पीपीएल पाथरी प्रीमियर लीग सीजन 2 स्पर्धेचा 12वा दिवस आणि 77वा सामना आजच्या सत्रातील शेवटचा सामना क्लीन बोल्ड त्रिफळाचित सुरेख अशी गोलंदाजी पहिल्याच चेंडूवरती यश मिळवलं इलियास देशमुख पाथरी प्रीमियर लीग आयोजक जुनेद खान दुराणी L.
पहिल्याच चेंडूवरती त्रिफळाचित केलं, बाद होऊन पॅवेलियन मध्ये परतलाय वसीम। वसीमची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये तौफिक इनामदार, संघनायक तौफिक, गोलंदाज इल्यास देशमुख। एक धाव, एका धावेबरोबर धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती 31, एक बाद 31। मैदानावरती सुरू असलेला सामना पठाण मोहल्ला पख्तुन्स वर्सेस जैतापूर रॉयल्स। पठाण मोहल्ला पख्तुन्स संघमालक लालू खान आणि सलीम खान पठाण। जैतापूर रॉयल संघाचे संघमालक साजिद राज आणि ताजुद्दीन फारुकी। स्पर्धेचे आयोजक आदरणीय जुनेद भैया दुर्रानी। व्यासपीठावरून या सामन्याचा आनंद घेताना पाथरी नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष नितेशजी भोरे, सोनपेठ नगर परिषदेचे नगरसेवक सन्माननीय श्रीकांतजी विटेकर, सामना समितीचे इब्रोस खान, मुश्ताक खान दुर्रानी, दरगा मोहल्ला फायटरचे मोईज मास्टर, असे अनेक मान्यवर झेल घेण्याचा प्रयत्न, झेल सुटतोय। धाव संख्या होती ती 33, गोलंदाज इल्यास देशमुख। पहिल्याच चेंडूवरती त्रिफळाचित बाद केलं वसीमला, पुन्हा गोलंदाजीसाठी सज्ज। पुन्हा एकदा एक धाव, धाव संख्या 34। आतापर्यंत सुरेख अशा गोलंदाजीचं प्रदर्शन या षटकामध्ये केलं, चार धावा देऊन एक बळी मिळवला गोलंदाज इल्यास देशमुख। याच्यानंतर पुढील चार षटकामध्ये मैदानावरती काय होतंय याचं अचूक असे विश्लेषण माझे सहकारी कॉमेंटेटर नासिर बागवान यांना मी समालोचन कक्षामध्ये आमंत्रित करतो। मिस्टर नासिर बागवान, ऊंचा स्ट्रोक और गेंद, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के पीछे 6 रन। लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा छक्का लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद बागवान। रन संख्या पहुंच गई 40 रनों पर। विकेटों का जहां तक प्रश्न है तो एकमात्र विकेट गिरा है और ओवर चल रहा है, पांचवा ओवर प्रगति पर। चार ओवर समाप्त हुए हैं, रन संख्या है 40, जमकर हुई है पिछली गेंद पर गेंदबाज की मालिश क्योंकि रन संख्या है अब 40। मुन्ना सिद्दीकी की यह गेंद बहुत ही खराब,
ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा, मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं युवा अंपायर शाजिब सिद्दीकी और ज्ञानेश्वर अडाव मुन्ना सिद्दीकी इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट। ऊंचा स्ट्रोक गेंद हवा में लेकिन नो मैंस लैंड में, उस ओर कोई खिलाड़ी नहीं, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और पूरा भी करेंगे। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, रन संख्या पहुंच गई 43 रनों पर 43, लॉस ऑफ वन, एकमात्र आउट होने वाले बल्लेबाज थे लेफ्ट आर्म बैट्समैन वसीम। इसी बीच मुन्ना की गेंद, उसे खेला और वहां पर मौका गवाया स्लिप के खिलाड़ी ने, गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, दूसरा रन के लिए भी दौड़ रहे हैं। स्लिप के खिलाड़ी थे शेख जावेद, उनसे क्या ड्रॉप हुआ, बहुत अच्छी गेंद, मौका गवाया जावेद ने। जावेद का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा पठान मोहल्ला पख्तून के लिए, एक भी पारी उम्दा वे नहीं खेल पाए और बराबर मौका उन्हें दिया गया, फॉर्म में नहीं है शेख जावेद, हालांकि बहुत अच्छे वे खिलाड़ी थे, फिलहाल उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इसी बीच मुन्ना चले, ये गेंद, उसे खेला कमर के ऊपर से, गेंद जा रही है डीप लेग स्टंप बाउंड्री से बाहर, चार रन। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा। बल्लेबाज थे तौफीक इनामदार, उन्हें मिला मौका, उन्होंने जड़ दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका और स्वागत किया अंतिम गेंद पर मुन्ना सिद्दीकी का। पांच ओवर की समाप्ति हुई है और पांच ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 50, औसत चल रहा है वो बहुत ही शानदार 10.00 का। तीन ओवर का खेल बचा है, फील्डिंग में तब्दीली, कवर पॉइंट के खिलाड़ी को हटाया गया है और उसे तैनात किया है शॉर्ट पॉइंट लेग पर। अब स्ट्राइक पर हैं आवेश पटेल, गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं इलियास देशमुख, अपने मित्रों के बीच गट्टू के निकनेम से जाने जाते हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। इस बार ऊंचा स्ट्रोक गेंद हवा में है और आसान कैच शॉर्ट एस्टे कवर पर। पाथरी प्रीमियर लीग आयोजक जुनेद खान दुरानी। PPL खेलना चाहते थे एक और स्ट्रोक कवर के ऊपर से, लेकिन कहते हैं ना लालच बुरी बला है, लालच में फंस गए आवेश पटेल। पिछली गेंद पर उन्होंने उसी तरह कवर के ऊपर से खेला था बाउंड्री से बाहर चार रन, लेकिन इस बार भी एक और बाउंड्री लगाने का प्रयास उन्होंने किया, टॉपेज लगा और गेंद हवा के रास्ते से सीधे पहुंच गई अदनान खान के सुरक्षित हाथों में। नए बल्लेबाज आए हैं मराठवाड़ा के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद इमरान खान।
बहलीन इलियास चले राइट आर्म ओवर द विकेट। थोड़ी सी छोटी गेंदी उसे खेला डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से जब तक गेंद फील्ड हो आसानी से एक रन लेकर अपना छोर बदला तौफीक इनामदार ने। वे पहुंच गए 9 स्ट्राइक पर और अब पहली बार स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद इमरान खान। बहुत अच्छी गेंद थी बैकफुट पर गए और केवल दिशा दिखाई ढीले हाथों से खेलकर दौड़ पड़े रन के लिए। मोहम्मद इमरान खान बहलीम ओपन इज अकाउंट नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 52 लॉस ऑफ 2 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इलियास चले धीमी गेंद और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा लगा चौका लगा लगा छक्का लगा लगा चौका लगा लगा छक्का लगा। लंबे ऊंचे कद के पहाड़ नुमा खिलाड़ी तौफीक इनामदार ने इनाम दिया इलियास देशमुख को। पिछली गेंद पर उन्होंने इरादा किया पक्का और मार दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। स्वागत किया इलियास देशमुख का। रन संख्या छलांगे मारकर पहुंच गई 58 रनों पर। गेंद अब तक लापता थी अब मैं बीच मैदान पर पहुंची है। तौफीक इनामदार इस समय स्ट्राइक पर विकेट कीपर के अलावा एक मार्क्स स्लिप। इस बार गेंद को खेला गेंद हवा में जरूर जब तक गेंद पॉइंट क्षेत्र में फील्ड हो एक रन मिलेगा तौफीक को। रन संख्या 59 रनों पर जबकि पारी का यह 6 ओवर जारी है। इलियास इस ओवर में अगली बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद बैक फुटर गए उसे खेला डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी मौजूद अच्छी फील्डिंग बढ़िया थ्रो केवल एक रन। इस अंतिम गेंद पर 6 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 60 2 विकेट के नुकसान पर। औसत कंटिन्यू बरकरार है 10.00 का। लगातार प्रति ओवर 10 रन के हिसाब से बन रहे हैं और यदि इसी तरह खेलते गई जैतापुर रॉयल्स तो 80 के आंकड़े को पार कर सकती है और यदि 90 प्लस कर लेती है तो एक मजबूत स्थिति में वे पहुंच जाएगी क्योंकि दिन रात्रि के इस मुकाबले में 90 के आंकड़े को क्रॉस करना उतना आसान नहीं खास तौर से जब तेज ठंड पड़ रही हो। सर्दियों के दिन में जब मैदान पर ग्रास होता है तो ड्यू फैक्टर भी होता है लेकिन इस बार यह मैदान पर आउटफील्ड बहुत ही तेज है। इसको बनाने वाले हैं सलीम खान पठान किनवटकर और उनके दो साथी। इस बार बैकफुट पर गए उसे खेला डीप पॉइंट क्षेत्र में। बहुत ही सुंदर आउटफील्ड को बनाया है सलीम पठान किनवटकर ने और सलीम पठान खान के साथ उनके दो साथी याजूद माजूद बिल्कुल दाएं और बाएं हाथ की तरह काम करते हैं ऐसे कामले और गवारे बहुत शानदार कार्य करते हैं विशाल कामले और राजा गवारे
बहुत अच्छा साथ देते हैं, मैदान को सुंदर बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। खिलाड़ियों को एनर्जी ड्रिंक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जनाब अमोल तुपकर साहब और अमित रेवनवार। धीमी गेंद मुन्ना सिद्दीकी की, स्लो बाउंसर डॉट गेंद। बहुत शानदार कार्य किया है शुरुआत से लेकर अंत तक अमोल तुपकर सर ने और अमित रेवनवार ने। इसी बीच मुन्ना सिद्दीकी चले, इस बार गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, वन बाउंस इनटू द फेंस फॉर फोर, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। तौफिक इनामदार वाकई में आज बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंद, मैदान के बीच गर्माहट जरूर है लेकिन मैदान के बाहर बहुत ही ठंड है। और एक समय ऐसा लगता है जब माइक्रोफोन हाथ में होता है, आंखें बंद कर लेता हूं और समझ में आता है कि जम्मू कश्मीर में कमेंट्री कर रहा हूं। इस बार बैकफुट पर गए, उसे खेला, डीप पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, पहला रन लिया, एक ही रन मिलेगा, ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति पर 66 रन, ये ओवर बहुत ही शानदार रहा वाजिद, केवल 6 रन इसमें बने हैं। मुन्ना सिद्दीकी का बहुत ही बेहतरीन ओवर, ये ओवर किया मुन्ना ने मोहम्मद इमरान खान और तौफिक इनामदार के सामने। 8 विकेटें सुरक्षित है लेकिन गेंदे बची है मात्र 6। क्या 80 के आंकड़े को छू पाएगी जैतापुर रॉयल्स? जैतापुर रॉयल्स के फ्रेंचाइजी ऑनर मैच का आनंद ले रहे हैं जनाब साजिद अली राज साहब और ताजुद्दीन फारूकी साहब। उसी तरह पठान मोहल्ला पख्तूंस के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब लालू खान साहब और जनाब सलीम खान पठान साहब। वे भी अपने अपने डगआउट से मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। अंतिम गेंद लेकर, अंतिम ओवर लेकर इमरान खान, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, डॉट गेंद, कोई रन न बना। फिर से एक बार इमरान खान इस ओवर में, अगली बार खराब गेंद, दिशाहीन, दिशा से भटके, नतीजा वाइट, रन संख्या पहुंच गई 67 रनों पर, 67। एंड फाइनल ओवर इन दिस प्रोग्रेस बाय इमरान खान। इमरान चले, शॉट ऑफ लेंथ गेंद, पुल किया, उस और खिलाड़ी है, बहुत अच्छी फील्डिंग, डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर लाइक अंसारी, रन संख्या 68, 68। पारी का अंतिम ओवर चल रहा है, ऊंचा स्ट्रोक, गेंद बिल्कुल नींबू की तरह, लाइक अंसारी गेंद के नीचे है और शानदार कैच, पहले हाफ में निसट गई गेंद लेकिन अगले ही हाफ में बेहतरीन कैच। पाथरी प्रीमियर लीग आयोजक जुनेद खान दुरानी। PPL मैच का आनंद लेते हुए मंच पर विराजमान हैं पाथरी नगर परिषद के बेहतरीन लोकप्रिय नगर अध्यक्ष आदरणीय नीतीश जी भोरे, नगर सेवक नसीर तात्या साहब, उसी तरह नगर सेवक अनीस फारूकी साहब साथ हैं।
मास्टर कॉलोनी ब्लास्टर के दरगाह मोहल्ला फाइटर के फ्रेंचाइजी ऑनर और पूर्व उप नगर अध्यक्ष आदरणीय मोइज मास्टर साहब, उसी तरह राजू पामे साहब नरसिम्हा कॉलोनी राइडर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर, फिलहाल इमरान खान बहुत अच्छा स्ट्रोक, उस पर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, चार रन। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का, लगा लगा चौका, लगा लगा छक्का, लगा लगा चौका, लगा लगा। रन संख्या पहुंच गई 72 रनों पर, अभी भी दो गेंद शेष। ऊंचा स्ट्रोक, उस ओर कोई खिलाड़ी है नहीं, स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, एक रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, थोड़े से फंबल हुए वहां पर खिलाड़ी और दूसरा रन पूरा कर लिया। रन संख्या 74, 74। बेहद ही शानदार मुकाबला। अब इस इनिंग की अंतिम गेंद लेकर इमरान खान लो फुल टॉस, अकलमंदी का परिचय दिया और वंचित किया बल्लेबाज को, रन आउट का मौका है वहां पर और रन आउट। तौफीक इनामदार रन आउट हुए, रन संख्या पहुंच गई 75। जीत के लिए लक्ष्य है पठान मोहल्ला पख्तून को 76 रनों का। पहली इनिंग समाप्त हुई है तो हमारे सलीम खान पठान के दो याजूद माजूद मैदान की सफाई के लिए बीच मैदान पर जा रहे हैं। बहुत ही शानदार कार्य उनका है, ऐसे विशाल कामले और राजा गवारे। तो दोस्तों पहले इनिंग समाप्त हुई है, जैसे ही दूसरी समूह पाथरी, प्रोप्राइटर अशफाक अंसारी, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। भरका देवी आइसक्रीम, बेहतर क्वालिटी, बेहतरीन वैरायटी, विविध प्रकारचे आइसक्रीम, कुल्फी व लस्सी मिळतील बाबा टॉवर मेन रोड पाथरी, प्रोप्राइटर शेख शाहिद, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। साडी, सुटिंग शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल, जीन्स, घागरा यांसारख्या आकर्षक व दर्जेदार कपडे खरेदीसाठी पाथरी शहरातील अग्रगण्य ठिकाण बॉम्बे कलेक्शन, पत्ता पंचायत समिती कॉम्प्लेक्स पाथरी, प्रोप्रायटर बजरंग कुटे, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। सीड्स अँड फर्टिलायझर्स, विश्वास शेतकऱ्यांचा, सर्व प्रकारचे रासायनिक खते, बी बियाणे, औषधी, कीटकनाशके आणि तणनाशके योग्य दरात मिळण्याचं पाथरी शहरातील अग्रगण्य ठिकाण, बस स्टँड समोर पाथरी, प्रोप्रायटर गोविंद बाहेती, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एसी आणि सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स वस्तूंची खरेदी तसेच दुरुस्तीसाठी उत्तम पर्याय, ठिकाण बाबा टॉवर पाथरी, प्रोप्रायटर कृष्णा लांडे, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। एमके ट्रेडर्स,
सिमेंट, गज, एंगल, पट्टी, चद्दर, पाईप, फरशी, दरवाजे इत्यादी बिल्डिंग मटेरियल योग्य दरात मिळण्याचं पाथरी शहरातील एकमेव ठिकाण मोंढा कॉम्प्लेक्स माजलगाव रोड पाथरी. प्रोप्रायटर एजाज खान, मुजम्मिल खान. मुख्य प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग. नॅशनल रेसेस. आमच्या येथे सुटिंग, शर्टिंग, जीन्स, साडी, शालू, नऊवारी इत्यादी कपडे उत्तम क्वालिटी व व्हरायटी मध्ये मिळतील. बाबा टावर पाथरी, जिल्हा परभणी. प्रोप्रायटर मुन्नूभाई अंसारी. प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग. रवि ऑटोमोबाईल. आमच्या येथे सर्व नामांकित कंपनीचे टायर्स, ट्यूब, स्पेअर पार्ट्स, ऑइल, ट्रॅक्टरचे स्पेअर पार्ट, मळणी यंत्र आणि नांगर योग्य दरात मिळतील. सिलू कॉर्नर पाथरी, जिल्हा परभणी. प्रोप्रायटर घनश्यामदास कासट. प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग. सरदार डिजिटल फोटो स्टुडिओ. हाऊस सर्व्हिसेस, फोटोग्राफी, एच डी व्हिडिओ शूटिंग, ड्रोन कॅमेरा शूट. ऑर्डर फॉर फंक्शन्स अँड प्रोग्राम्स. ॲड्रेस इन फ्रंट ऑफ म्युनिसिपल काउन्सिल बिल्डिंग, मेन रोड पाथरी. प्रोप्रायटर सरवार खान, अक्रम खान. ऑफिशियल स्पॉन्सर्स ऑफ 2 षटकांमध्ये 7 धावा आणि 4 बळी ही विकासची या स्पर्धेतील सर्वोत्तम कामगिरी. संघाचं पहिलं वैयक्तिक पहिलं षटक गोलंदाज विकास, स्ट्राईकचा फलंदाज लईक अन्सारी. पहिल्या चेंडूवर बॅटची हलकीशी कड आणि बाद. पंचाच्या इशाऱ्याची सुद्धा वाट बघितली नाही. सरळ मैदान सोडून बाहेर लईक अन्सारी. आयोजक जुनेद खान दुराणी. वैयक्तिक पहिल्याच चेंडूवरती 0 या धावसंख्येवर बाद होऊन परततोय लईक अन्सारी. त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये इम्रान खान. 13 नंबर जर्सी इम्रान खान, 3 नंबर जर्सी शेख जावेद. गोलंदाज विकास. क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा रणसंग्राम आणि क्रिकेटचा थरार मैदानावरती पाहतोय आपण. विकासने केली गोलंदाजीची सुरुवात झकास. पहिल्याच चेंडूवरती बळी मिळवला लईक अन्सारीचा. पुन्हा एकदा गोलंदाज विकास. यावेळी मात्र पहिल्या चेंडूवरती खाता उघडतो इम्रान खान. एका धावेने धावसंख्या होती ती 1-1. जिंकण्यासाठी जिंकण्यासाठी 76 धावांचं लक्ष. गोलंदाज विकास, स्ट्राईकचा फलंदाज, डाव्या हाताचा फलंदाज शेख जावेद. अप्रतिम असा खेळाडू शेख जावेद. एका धावेने आपलं खातं उघडतोय शेख जावेद. धावसंख्या होती ती 1-2.
धाव संख्या होती ती 1-3. संघाचं पहिलं वैयक्तिक पहिलं षटक. गोलंदाज विकास, स्ट्राइकचा फलंदाज शेख जावेद. यावेळी मात्र चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. कडक कडकडीत प्रहार, चौकार. पाथरी प्रीमियर लीग मे लगा छक्का लगा लगा चौका लगा. या षटकातील शेवटचा चेंडू. धाव संख्या होती ती 7. 1-7. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि एक धाव पूर्ण. एका धावेबरोबर धाव संख्या होती ती 8. एका षटकाची समाप्ती. या स्पर्धेचे आयोजक आदरणीय जुनेद भैया दुर्रानी आणि त्यांचे सर्व सहकारी. पावया संघाचं दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज. जिंकण्यासाठी 76 धावांचं लक्ष. 76 धावसंख्येचा पाठलाग करताना एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 8. पहिल्याच षटकामध्ये विकासने धावा दिल्या 8. गोलंदाजीसाठी मोहम्मद इम्रान. वैयक्तिक पहिलं, संघाचं दुसरं षटक. गोलंदाज मोहम्मद इम्रान, 17 नंबर जर्सी. गोलंदाज मोहम्मद इम्रान, स्ट्राइकचा फलंदाज शेख जावेद, नॉन स्ट्राइक एंडला इम्रान खान. एक धाव, एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 9. पुन्हा चेंडू जातोय गोलंदाजाकडे. गोलंदाज मोहम्मद इम्रान, यावेळी मात्र स्ट्राईकवर इम्रान खान. पुन्हा एकदा एक धाव. धाव संख्या होती ती 10. काहीशी आक्रमक अशी फलंदाजी करावी लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी. पठाण मोहल्ला पख्तूनचे खेळाडू इम्रान खान आणि शेख जावेद. वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं षटक. गोलंदाज मोहम्मद इम्रान. पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न, स्क्रीनच्या बाहेर येऊन मारण्याचा प्रयत्न, परंतु यश नाही. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये.
सुरेखाचा चेंडू सन्मानाने खेळून काढला. कोणतीही धाव नाही. धावसंख्या 10. 77 धावांचं लक्ष हा सामना जिंकण्यासाठी. पहिल्याच चेंडूवरती एक आक्रमक एक स्फोटक फलंदाज बाद झाला. धावसंख्या 11. या षटकातील शेवटचा चेंडू. कडक कडकडीत असा प्रहार क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. एकच धाव. धावसंख्या होते ती 12. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 12. दरम्यान तिसरा षटक मैदानावरती सुरू होतं. वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचं तिसरा षटक. गोलंदाज विकास. स्ट्राईकचा फलंदाज इम्रान खान. नॉन स्ट्राईक एंडला शेख जावेद. जिंकण्यासाठी 76 धावांचं लक्ष. आक्रमक अशी फलंदाजी करावी लागेल दोन्ही फलंदाजांना हा सामना जिंकण्यासाठी. आजच्या सत्रातील हा शेवटचा सामना मैदानावरती खेळला जातोय. जैतापूर रॉयल्स वर्सेस पठाण मोहल्ला पख्तूंस. अप्रतिभासा षटकार. इम्रान खानच्या बॅट मधून निघालेला षटकार. पाथरी प्रीमियर लीग लगा छक्का लगा लगा चौका लगा लगा छक्का लगा लगा चौका लगा लगा छक्का. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 18. पहिल्याच चेंडूवर षटकार. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज गोलंदाज विकास. गोलंदाजीसाठी सज्ज विकास. स्ट्राईकचा फलंदाज इम्रान खान. यावेळी मात्र सुरेखाचा चेंडू खाली राहिलेला. अकोट टप्प्याचा खाली राहिलेला चेंडू. सरळ यष्टी रक्षकाकडे. कोणतीही धाव नाही. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने मारलेला. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक आणि दोघांच्या मध्ये झेल सुटतोय. जीवनदान मिळतं इम्रान खानला. धावसंख्या होते ती 19.
स्ट्राइकचा फलंदाज शेख जावेद, गोलंदाज विकास, धाव संख्या होती ती 19, तिसरा षटक मैदानावरती टाकलं जातंय. पुन्हा एकदा एक धाव, क्षेत्ररक्षक आवेश पटेल. धाव संख्या 20, स्ट्राइकवर पुन्हा जातोय इम्रान खान. एक कडक कडकडीत असा षटकार मारला होता इम्रान खानने या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती. अशाच प्रकारची आक्रमक अशी फलंदाजी करावी लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी पठाण मोहल्ला पख्तूंस. यावेळी चेंडू येतोय लॉग ऑफच्या दिशेने. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण, क्षेत्ररक्षक वसीम. धाव संख्या होती ती 21. या षटकातील शेवटचा चेंडू फलंदाज शेख जावेद. फुलटॉस चेंडू, सुरेख असं क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या 22, तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 22. जिंकण्यासाठी तीस चेंडू मध्ये 54 धावांची आवश्यकता. कपिल देव स्टँड मध्ये आपण पाहतोय या स्पर्धेचे संयोजक दररोज व्यासपीठावर बसून या सामन्याचा आनंद घेत असतात. आज मात्र प्रेक्षक गॅलरी मधून या सामन्याचा आनंद घेताना स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय जुनेद भैया दोरानी. या दोन धावेबरोबर धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 24. संघाचं चौथं षटक मैदानावरती टाकलं जातंय. वैयक्तिक पहिलं षटक. गोलंदाज वसीम, स्ट्राइकचा फलंदाज शेख जावेद. धाव संख्या 25, वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं चौथं षटक. गोलंदाज वसीम. रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये.
सुरेखाच्या गोलंदाजीचं प्रदर्शन, गोलंदाज वसीम वैयक्तिक पहिलं, संघाचं चौथं षटक जिंकण्यासाठी 76 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना धावसंख्या होती ती 1-25. आखूड टप्प्याचा चेंडू अप्रतिम असा झेल आणि झेलबाद होऊन परततोय जर्सी क्रमांक 1 एकच नंबर झेल. आयोजक जुनेद खान दुराणी. PPL सुरेखाचा झेल घेतला जर्सी क्रमांक 1 झेल सुद्धा एकच नंबर मोहम्मद नबील. नवीन फलंदाज इनायत, स्ट्राइकचा फलंदाज शेख जावेद, गोलंदाज वसीम 2-25. यावेळी मात्र चेंडू जातोय सीमारेषेकडे, कडक कडकडीत प्रहार, चौकार. धावसंख्या होती ती 29. चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 29, 76 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना धावसंख्या होती ती 29. 24 चेंडू 47 धावा. याच्यानंतर या मैदानामध्ये काय होतंय पुढील 24 चेंडूचं विश्लेषण माझे सहकारी कॉमेंटेटर ज्यांनी आपल्या हिंदी कॉमेंटेटरनं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपलं नाव केलं असे नावाजलेले हिंदी कॉमेंटेटर मिस्टर नासेर बागवान यांना मी समालोचन कक्षामध्ये आमंत्रित करतो. बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद बागवान. ये थे इरशाद बागवान सोलापुरकर, मराठी में मैदान के बीच का विवरण आपको सुना रहे थे. 24 गेंदें बची हैं और रन चाहिए 47. आवेश पटेल, यह गेंद और गेंद जा रही है लगान के ऊपर से 6 रन. पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा छक्का. बल्लेबाज थे इनायत. इनायत के मायने होती है मेहरबानी. इनायत ने की गेंदबाज आवेश पर मेहरबानी और बढ़ा दी है जैतापुर की परेशानी. इनायत ने इरादा किया पक्का और मार दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का. स्वागत किया उन्होंने आवेश पटेल का. अब गेंदें बची हैं 23 और रन चाहिए 41. क्लोज इनकाउंटर, करीबी मुकाबला. मंच पर सभी गणमान्य अतिथि मैच का आनंद ले रहे हैं. इसी बीच आवेश चले. इस बार बहुत अच्छी गेंद, लेंथ डिलीवरी थोड़ा सा ऊपर, ऑफ स्टंप से बाहर, उसे लॉक करने का प्रयास सफल नहीं.
गेंद इनायत को छकाती हुई पहुंची विकेटकीपर मोहम्मद इमरान के दस्तानों में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज सफल करते हुए स्वयं खेलने के लिए भी गेंद तक पहुंचे। डॉट गेंद, इक्कीस गेंदे 41 रन। बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद, इस टूर्नामेंट के शानदार ऑर्गेनाइजर जुनैद खान दुर्रानी कपिल देव स्टैंड में बैठकर मैच का आनंद ले रहे हैं। मन ही मन में सोच रहे होंगे कि आने वाले पीपीएल सीजन 3 में दो स्टैंड में और बनाऊंगा। इसी बीच आवेश चले, ऊंचा स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे है और आसान सा कैच, एक और विकेट। हसन ने लपका, आयोजक जुनैद खान दुर्रानी। PPL आउट होकर के वापस गए इनायत, बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था, आसान कैच हसन ने। हसन अपने मित्रों के बीच बॉस के निकनेम से जाने जाते हैं, उनके चाहने वाले उन्हें हसन बॉस के नाम से जानते हैं। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आए हैं, इलियास देशमुख नॉन स्ट्राइक एंड पर आवेश चले, ऑप्शन से बाहर, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, गेंद थी ऑप्शन से बाहर, उसको लपेटना चाहते थे ऑन साइड में, पूरी तरह से चूके जावेद, बीट हुए, कोई रन ना बना, अंतिम गेंद पर डॉट गेंद। बहुत अच्छी वापसी की इस ओवर में, पहले ही गेंद पर शानदार सिक्सर लगा था, लेकिन अगली गेंदों पर बेहतरीन वापसी गेंदबाज आवेश पटेल की। 18 गेंदे अब बची हैं और पठान मोहल्ला पख्तूंस को चाहिए 41 रन। गेंदबाजी के लिए आए हैं मराठवाड़ा के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर मोहम्मद इमरान खान बहलीम फ्रॉम औरंगाबाद। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट बाउंड्री पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को अब सर्कल के अंदर बुलाया है और फाइन लेग बाउंड्री पर है, थर्ड मैन भी सर्कल के अंदर, एक खिलाड़ी डीप एक सकवर बाउंड्री पर। मोहम्मद इमरान चले, बहुत अच्छी गेंद, केवल पुश किया और दौड़ पड़े, पहला रन लिया, दूसरे की मांग, थ्रो थोड़ा सा लेट और रन आखिरकार पूरा कर दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई, लेकिन फिर भी दो रन मिले। आज जावेद के इरादे माने बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अब तक श्रृंखला में पूरी तरह से वे फ्लॉप रहे थे, आज अच्छा बल्लेबाजी इस समय वे कर रहे हैं। जावेद खेल रहे हैं व्यक्तिगत 17 रनों पर। इमरान चले, फुल टॉस पे लेके गेंद को खेला, लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं, फील्डर थे हसन लॉन्ग ऑफ पर, केवल एक रन। अब गेंदें बची हैं 16 और रन चाहिए 38। अब तो जमीनी हमलों के साथ साथ कुछ हवाई फायर भी करने पड़ेंगे पठान मोहल्ला पख्तून को।
उसके लिए जावेद जैसे ही स्ट्राइक पर आए हैं उन्हें लॉन्ग ऑन बाहर हैं। ये देखिए चेंज अप पेस, बल्ला पहले चला, गेंद रुक कर आई, नकल गेंद थी, ऑफ टर्न से बाहर, धीमी गेंद। बहुत ही चालाक खिलाड़ी हैं मोहम्मद इमरान। एक गेंद, एक रन मिला, अब गेंदें बची हैं 15 और रन चाहिए 37। स्ट्राइक पर हैं इलियास देशमुख। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, थर्ड मैन सर्कल के अंदर, फाइन लेग सर्कल के अंदर इमरान चले। इस बार स्ट्रेट ड्राइव खेला सामने की ओर, गेंद मिड ऑन के रास्ते से आई लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद थे। एक रन मिलेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, खिलाड़ी इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अब की बार बाएं हाथ के खिलाड़ी जावेद हैं स्ट्राइक पर, तो उनके लिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर हैं। एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री पर, दूसरे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑफ साइड में डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर इमरान राउंड द विकेट से। इस बार जानबूझकर खेला, गेंद जा रही है डीप पॉइंट क्षेत्र में, दूसरा रन दौड़कर पूरा कर लिया जावेद ने। रन संख्या पहुंच गई है 42, अब रन चाहिए पठान मोहल्ला पख्तून को 34, लेकिन गेंदे बची हैं 13, गेंदे बची हैं 13। देखना किसके सर होता है जीत का सहरा, क्योंकि गेंदे बची है मात्र 13 और रन चाहिए 34। मोहम्मद इमरान पहली राइट हैंड राउंड द विकेट से जावेद के लिए। बहुत ही शानदार गेंद और काम तमाम, क्लीन बॉल जावेद। पाथरी प्रीमियर लीग, आयोजक जुनेद खान दुरानी। बेहद ही शानदार यॉर्कर थी, शफल करते हुए स्वीप करने का प्रयास किया, ऑप्शन से लेक्सम को बिल्कुल खाली छोड़ दिया था जावेद ने और ऑप्शन के बाहर चले गए और गेंद उनके पीछे से सीधे जाकर लगी लेग स्टंप पर। एक और विकेट यहां पर खोया पठान मोहल्ला पख्तून ने। जावेद ने रन बनाए 16 गेंदों पर 19, जिसमें उन्होंने बाउंड्रियां लगाई मात्र 2। नए बल्लेबाज आए हैं सद्दाम देशमुख और गेंदबाजी के लिए औरंगाबाद के बेहतरीन ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म वसीम। इस बार गेंद को खेला और आसान सा कैच तौफीक इनामदार के लिए। पाथरी प्रीमियर लीग, आयोजक जुनेद खान दुरानी। PPL नए बल्लेबाज आए हैं फिरोज नॉन स्ट्राइक एंड पर। स्ट्राइक होगी सद्दाम देशमुख के हाथों में। आते ही पहली गेंद पर सफलता दिलाई वसीम ने। गेंदें बची हैं 11 और रन चाहिए 34। इस बार गेंद को जानबूझकर खेला, गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रन।
और विकेट कीपर और स्लिप में बहुत ही फासला था, गैप ढूंढ निकाला बल्लेबाज सद्दाम देशमुख ने। रन मिले चार, दस गेंदे बची हैं और रन चाहिए 30, प्रति गेंद 3 रन। अब लॉन्ग ऑफ को सर्कल में बुलाया है, मिड ऑफ में तब्दील किया और थर्ड मैन बाहर, वसीम चले, शॉर्ट गेंद चूके वहां पर, बहुत ही शॉर्ट ब्लेंक गेंद थी, जिस तरफ चाहे उस तरफ खेल सकते थे, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। अब गेंदे बची हैं 9 और रन चाहिए 29। पाथरी प्रीमियर लीग सीजन 2 2018 जिसके बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हैं जुनेद खान दुर्रानी, बहुत ही लोकप्रिय ये टूर्नामेंट हुआ है महाराष्ट्र में, काफी चर्चाएं इसकी हो रही हैं। यूट्यूब पर देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक पाथरी प्रीमियर लीग सीजन 2 सफल हुआ है, जिसका खर्च लगभग 35 लाख के आसपास का है। इसी बीच वसीम चले, बहुत अच्छी गेंद थी, केवल दिशा दिखाई, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में एक रन के लिए। 8 गेंदे बची है और रन चाहिए 28। अब धीरे धीरे इस मुकाबले पर काफी मजबूत पकड़ नजर आ रही है जैतापुर रॉयल्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब नगर सेवक साजिद अली राज साहब और जनाब ताजुद्दीन फारूकी साहब, काफी खुश होंगे अपने टीम के इस प्रदर्शन को देखकर। तो दूसरी तरफ पठान मोहल्ला पख्तून के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब लालू खान साहब और दूसरे उनके साथी जनाब सलीम खान पठान साहब, वे भी मैच का आनंद ले रहे हैं, थोड़े से नर्वस होंगे। इसी बीच वसीम चले, इस बार खेलने का प्रयास, एज लगा और आउट। पाथरी प्रीमियर लीग आयोजक जुनेद खान दुरानी। एक और विकेट खोया सद्दाम देशमुख के रूप में पठान मोहल्ला पख्तून ने। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, स्थानीय खिलाड़ी मुन्ना सिद्दीकी। सात गेंदे 28 रन चाहिए जीत के लिए। वसीम तैयार हैं, इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, दो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, फुटबॉल के अंदाज में गेंद को रोका जरूर लेकिन नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को दूसरा रन लेने से। ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवर की समाप्ति हुई है, रन संख्या पहुंच गई है 50 रन। अब गेंदे बची हैं 6 और रन चाहिए 26। 6 गेंदे 26 रन, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम ओवर करेंगे औरंगाबाद के ही एक बेहतरीन ऑलराउंडर आवेश पटेल। आज का ये अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है, कुल 7वां मुकाबला आज के दिन का। ऑप्शन से बाहर जाने दिया इस गेंद को, डॉट गेंद, 5 गेंदे 26 रन,
फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर है और अब एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर आवेश चले। इस बार जानबूझकर खेला, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, चार रन। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा। चार गेंदे अब बची हैं और बची इन चार गेंदों पर पठान मोहल्ला पख्तून को चाहिए 22 रन। डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और थर्ड मैन भी अब बाउंड्री पर है। खराब गेंद, दिशाहीन, वाइट का इशारा, एक रन भी मिलेगा और गेंद दोबारा करनी पड़ेगी आवेश पटेल को। चार गेंदे बची हैं और रन चाहिए 21। इस बार ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में और आसान कैच ड्रॉप। मौका गवाया, एक रन मिला, तीन गेंदे बची हैं और रन चाहिए 20। वाइट का इशारा, तीन गेंदे 19 रन, तीन गेंदों पर तीन सिक्सर लगते हैं तो मुकाबला सुपर ओवर में। दो गेंदे 19 रन, अब महज औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं इस मुकाबले की। शानदार सफर जैतापुर रॉयल्स का चल रहा है। बहुत अच्छी गेंद, केवल एक रन, अब एक गेंद और रन चाहिए 18। और इसी के साथ 16 रनों के अंतर से यह शानदार मुकाबला जीता जैतापुर रॉयल्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ जैतापुर रॉयल्स टीम एंड फ्रेंचाइजी ऑनर मिस्टर साजिद अली राज एंड ताजुद्दीन फारूकी।